नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर तमाम दलों की ओर से अपनी पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान देने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी हैं। अजीज कुरैशी यूं तो है कांग्रेस के नेता, लेकिन उन्होंने जिस पार्टी के पक्ष में बयान दे दिया है वो पार्टी फिलहाल उनकी तो धुर विरोधी ही है, क्योंकि अलग अलग दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर अजीज कुरैशी के उस बयान की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है। देखिए, हैं वो कांग्रेस के नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के माहौल को देखते हुए उनका अपना प्रेडिक्शन ये कहता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा। अजीज कुरैशी को वैसा क्यों लगता है जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया, उनसे ये भी पूछा गया कि आप हैं तो कांग्रेस के नेता पर आप समाजवादी पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं, तो अजीज कुरैशी इस बारे में जवाब देते हुए कहते हैं कि उनकी नेता प्रियंका गांधी ही है, वो उनकी पूरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी ईमानदारी उनकी वफादारी पूरी की पूरी प्रियंका गांधी के ही फेवर में है, यानी कि वो है कांग्रेस के नेता, दिल उनका कांग्रेस ही है। लेकिन फिर भी जो इस वक्त माहौल है, जो उत्तर प्रदेश का ये कह लीजिए कि सिनेरियो है, उस सिनेरियो को देखते हुए उनका आकलन ये कहता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी की तैयारियों पर आपको पूरा भरोसा नहीं है, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर की जा रही उनकी तैयारियों से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, बेहतर परिस्थितियों में लाने का काम किया है। लेकिन क्योंकि वक्त अब बहुत कम है, देखिए अब बहुत ही जल्द जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, बहुत ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचता नहीं है, ऐसे में संगठन को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बात कहते हैं कि लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए या फिर संगठन को उस लेवल तक लाने के लिए, यूं कह लीजिए कि उनकी बातों को या उनकी जो अपनी कोशिशें हैं उसको वोट में तब्दील करने के लिए वक्त यानी मोहलत अब बहुत कम है। यानी कि अगर थोड़ी सी और मोहलत मिलती तो प्रियंका गांधी और बेहतर कर सकती थी और इस चुनावी माहौल में वो जनता के वोटों को अपने पक्ष में कर सकती थी, लेकिन क्योंकि वक्त अब कम है और तैयारियों के लिए वक्त चाहिए, इसलिए वोट में तब्दील उनकी मेहनत नहीं हो पाएगी, यानी कि वो सरकार नहीं बना पाएंगी। ऐसे में उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल एक मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी की ही आने वाले दिनों में सरकार बनेगी, उनका अपना ही आकलन कहता है। इसके अलावा वो जिन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते नजर आते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिनको वो चुनावी मुद्दा मानते हैं, उसमें देखिए जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान में जो अव्यवस्थाएं फैली, जिस तरीके से शव जलाने तक के लिए लकड़ियां लोगों को नहीं मिल रही थी, जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और इसके अलावा पेट्रोल जिस तरीके से लगातार महंगा होता जा रहा है, खाद्य पदार्थ जिस तरीके से महंगे होते जा रहे हैं, महंगाई, महिला सुरक्षा, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के माहौल, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि मुख्य मुद्दे इस बार के चुनाव में यही होने वाले हैं। इससे पहले देखिए आजम खान के घर भी वो पहुंचे थे मुलाकात के लिए, यहां पर उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के नेता को भी अब यह लगता है कि इस बार सरकार समाजवादी पार्टी की होगी।